नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। वो मक्का के सख्ती वो ताइफ का मंजर, मोहम्मद खुदा की रज़ा बन के आए। अमीरों को राज़े अख़ुवत सिखाया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। नजाशी भी खादिम, अबू ज़र भी खादिम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की सदा बन के आए। स्टूडेंट्स, इस नात में शायर कहते हैं कि दूसरे नबी जितने भी आए हैं वो इमाम बन के आए हैं, अपनी उम्मत के लिए इमाम बन के आए हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं वो मुस्तफ़ा बन के आए हैं, यानी वो उन सब नबियों के भी इमाम बन के आए हैं। हमारे नबी ने बहुत सी सख्तियाँ सही मक्का में और ताइफ की वादी में, लेकिन हमारे नबी की अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। हमारे नबी ने अमीरों को भाईचारा सिखाया और गरीबों की मदद की, इनकी ज़रूरत पूरी की। शायर कहते हैं कि नजाशी जैसे बादशाह और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी छोटे से बड़ा सब हमारे नबी के खादिम बन गए और वो शाहो गदा सब के सरदार बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूटे हुए दिलों को जोड़ा और सबको मोहब्बत सिखाई और हर दिल की सदा बन गए। स्टूडेंट्स, अब इस नज़म में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मायने मैं आपको बता देती हूँ। पेशवा, पेशवा के मायने हैं इमाम। अख़ुव्वत, अख़ुव्वत के मायने हैं भाईचारा। हाजत रवा, हाजत रवा के मायने हैं ज़रूरत पूरी करने वाला। सुल्तान, सुल्तान के मायने हैं सरदार। शिकस्ता, शिकस्ता के मायने हैं टूटा हुआ। अब आपने इन सब अल्फाज के मायने अपनी वर्कशीट में लिखने हैं, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी 5 जुमले लिखने हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।